एक शेयर और भी है पावर ग्रिड, इसने एक ट्रांसमिशन का ऑर्डर जीता है और ये राजस्थान में जीता है। एक बार पावर ग्रिड के चार्ट को आप चेक कर लेंगे सुमित। पावर ग्रिड जी देखिए, काफी टाइम से कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, लेकिन अपना एक सपोर्ट है जो 100 मूविंग एवरेज का, उसको मेंटेन करके अपसाइड का एक बायस बना हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो मैं बोलूंगा एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 240 का। अब जैसे ही ये अपना पिछला हाई क्रॉस करेगा, दैट इज अराउंड 263-265, तो मेजर एक मूवमेंट आ सकती है, लेकिन टिल द टाइम एक मूवमेंट जो रहेगा वो स्लो रहेगा लेकिन पॉजिटिव। तो आप इस पे होल्ड अपना पोजिशन रखें। पार्थिव, ये कोल इंडिया, एनटीपीसी, जो थर्मल वाले पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनमें से एक आध, और ये पावर रिलेटेड फ्यूल बनाने वाले, ट्रेडिशनल फ्यूल, लोग इग्नोर कर गए थे लेकिन गजब रिटर्न बने। यहाँ से भी बनेगा क्या कोल इंडिया में पैसा? सबसे पहले अजय, मैं यही कहूंगा, रेस्ट इन पीस ESG। ESG के नाम पे बहुत चर्चा हुआ था कि ऐसे स्टॉक्स तो लेने ही नहीं चाहिए, लेकिन एक कंसेंसस है कि वर्ल्ड ओवर आप देखिए कि विदाउट थर्मल पावर, जहाँ पे प्लांट लोड फैक्टर और प्लांट अवेबिलिटी फैक्टर काफी ऊपर रहते हैं, इट इज नॉट रिप्लेसेबल। सी मतलब इंडिया जैसी कंट्री के लिए, जहाँ पे पावर इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ करीबन 12 से 15% के आसपास है, कंजम्पशन देख रहे एक बड़ा बूम है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि अकेले रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से ये सैटिएट हो। और हम देख रहे हैं कि कोल इंडिया जैसी कंपनी, काफी बार इन्होंने कमेंट्री दी है कि दे वांट टू रीच 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल माइनिंग, तो ये आई थिंक होना ही है, बिकॉज जिस तरह से पावर की डिमांड बढ़ रही है, और हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि 5% जितना आप इम्पोर्टेड कोल भी ब्लेंड कर सकते हैं, गोज टू शो कि डोमेस्टिक मार्केट में कोल की शॉर्टेज है, और कोल में भी अच्छी क्वालिटी, बिकॉज कोल इंडिया के पास सिर्फ नई कैपेसिटी नहीं, उनको वॉशरीज भी बनाने की बहुत जरूरत है, तो उसका कैपेक्स ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन हमें लग रहा है कि एनटीपीसी जैसी कंपनी, जहाँ पे अभी वैल्यू अनलॉक होनी बाकी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज उन्होंने काफी वोकली बताया कि उनको जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला बिजनेस है उसको भी काफी स्केल अप करना है, और उसको सेपरेटली शायद आईपीओ काओ करके वैल्यू अनलॉक करेंगे। कोर बिजनेस भी इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक मल्टीपल 1.4 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे हाईएस्ट कैपेसिटीज है, और जिस तरह से प्लांट लोड फैक्टर और प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर बढ़ रहा है, ये कंपनी अच्छा करेगी। और प्रॉक्सी प्लेस है जैसे कि पावर ग्रिड है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस है, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में काफी कार्यरत है, तो ये कंपनीज भी बेनिफिट करेगी। और BHEL की हमने पहले बात की थी कि इंडिया में सबसे ज्यादा कैपेसिटी टू बिल्ड थर्मल पावर प्लांट्स इज BHEL। ऑलराइट पार्थिव, वापस आता हूं मैं आपके पास कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए कि उससे